Almighty, the most gracious, the most merciful. Dear student friend follower, today we will discuss three dramatic unity in Aristotle's The Poetics. The Poetic के अंदर जो उसने three dramatics unity का discuss किया है, especially if you want to write good tragedy, you need to create three dramatic unity. इसके बारे में critics के different ख्यालात हैं. Critics, philologist और लिटरेरी क्रिटिक जो हैं इसके बारे में डिफरेंट ख्यालात कंसेप्ट रखते हैं. फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडी द अथेंटिक और अथेंटिसिटी ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट. जो लिटरेरी टेक्स्ट को स्टडी करते हैं उसके में से अथेंटिक चीज़ों को फाइंड करते हैं उसको कहते हैं फिलोलॉजिस्ट. तो फिलोलॉजिस्ट और क्रिटिक्स जो हैं इसके बारे में डिफरेंट व्यू रखते हैं. कुछ कहते हैं कि एरिस्टोटल ने ये नहीं कहा था कि इसके अंदर थ्री ड्रामेटिक यूनिटी आप क्रिएट करें, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन आप इसके अंदर क्रिएट करें, बाउंड नहीं किया. लेकिन कुछ का ख्याल है कि उसने यहाँ पे डिस्कस किया है. मीन टू से जैसे कुछ बुक्स जो हैं वो मिस भी हुई हैं, इसकी कुछ ख़राब हो गया, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मिल ना सकें. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था सोफोक्लीस ने बहुत सारे प्ले लिखे थे, उसमें बहुत कम जो हैं वो सर्वाइव्ड हैं. एस्किलिस ने भी बहुत सारा वर्क किया था लेकिन बहुत कम उसमें सर्वाइव्ड हैं. मसला ये था कि उस वक्त हर प्ले जो था वो थ्री ट्रियोलॉजी की फॉर्म में लिखते थे, उसके थ्री वो पार्ट्स बनाते थे. जैसे एग्मेमनॉन है तो उसके भी थ्री पार्ट्स हैं, वो थ्री में लिखा गया है. यानी एक जब ख़त्म हो जाता है प्ले तो उसके बाद दूसरा, फिर जैसे आपने देखा होगा स्टोरी होती है उसमें स्टोरी में एक बादशाह आता है फिर उसका सक्सेसर आ जाता है फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है. इसी तरह जैसे सो उन फॉर्म में चलती हैं इस तरह वो सीरीज थ्री की फॉर्म में वो चलाते थे उसको प्ले को भी. तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें उसने डिस्कस ये किया था, यानी जो हमने असाइनमेंट और उसकी बुक पढ़ी है हमारे नज़दीक भी यही आता है कि वो ये कहता है कि चूंकि जो ट्रेजेडी होती है वो हमने एक सिंगल डे में उसको प्रेजेंट करना होता है लोगों के सामने, तो हम कहाँ सामान उठा के इधर उधर जाएं, कोरस को भी कहाँ 15-15 लोगों को लेकर जाएं और फिर वो वहाँ पे कभी हम, यानी अगर हम चेंज करते रहेंगे प्लेसेस को तो यूनिटी ऑफ प्लेस जो है अगर हम उसको प्लेस को चेंज एक ही प्लेस पर अगर उसको कर लें तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि बजाय कि आप सामान इधर उधर उठाते फिरें. उसने इतना कहा था कि चूंकि जो एक एपिक होती है वो लॉन्ग होती है और एपिसोडिक फॉर्म में होती है, थोड़ी सुना दी फिर थोड़ी सुना दी फिर थोड़ी सुना दी और बड़ी लंबी होती है, तो उसमें आप जहां मर्जी ले जाएं लेकिन ट्रेजेडी के अंदर कोशिश करें कि चूंकि वो आपने ये सिंगल डे में उसको प्रेजेंट करना होता तो आप कहाँ कहाँ चेंज करते फिरेंगे प्लेसेस को. तो उसने कहा था कि इतनी बात की थी तो लोगों ने उससे बहुत सारे उसको इंटरप्रेट जो है डिफरेंट व्यू से कर दिया है उसी को, उसी पॉइंट को. अब देखा जाए तो एग्मेमनॉन जो है वो पहले ट्रॉय जाता है, ट्रॉय से फिर वो वापस आता है स्पार्टा और उसमें चेंज्ड दिखाया गया, यानी प्लेस जो है वो चेंज्ड है. यानी पहले वो ट्रॉय की सेटिंग दिखाई गई है, ट्रॉय से वो आ रहा है और उसके बाद वो एग्मेमनॉन जो है वो वहाँ पर आता है स्पार अपने कबीले में और साथ एक अपनी बिलवर्ड को वहाँ से लेके आता है और उसके बाद उसकी वाइफ जो है वो उसने उसके कज़न से इलेजिटिमेट रिलेशन बना लिए हैं एग्मेमनॉन की वाइफ ने और क्लेटमनेस्ट्रा उसका नाम होता है. तो जब वो वापस आता है तो वो अपने कज़न के साथ मिलके, चूंकि वो वहाँ से भी एक कंकुबाइन लेकर आया है, कोई वहाँ से भी कोई ऑक्यूपाइड जब किया इसने ट्राई को जब इन्होंने फतेह किया था स्पार्टन ने, तो वहाँ पे बहुत सारी औरतें जो हैं वो उन्होंने पकड़ के उनको जैसे साथ नहीं गुलाम बना लाते हैं, तो इसी तरह वहाँ से एक खूबसूरत दशीसा साथ लाया था. तो वो जो लड़की को साथ लाया था उसकी वाइफ एक तो वो उससे जेलस थी, एक उसकी जो बेटी थी वो उसने उसको कत्ल कर दिया था. तो अब उसकी वाइफ जो है अपने हस्बैंड से बदला लेना चाहती है, वो उसके कज़न के साथ लेजिटिमेट रिलेशन बना लेती है. जैसे हमने पढ़ा था मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, तो उसमें जैसे वो यानी उसको कत्ल कर देती है तो इसी तरह वो उसको कत्ल कर देती है अपने हस्बैंड को अपने यानी उस कज़न के साथ मिलकर. तो ये एक स्टोरी उसमें दिखाई गई है जो एग्मेमनॉन है. तो एग्मेमनॉन के अंदर कहते हैं जी उसमें एस्किलिस ने सेटिंग जो है वो डिफरेंट दिखाई है, तो आप एक जगह पे वो प्ले नहीं दिखाया गया
तो ये कहना कि एक जगह पे प्ले करना या इसको रिस्ट्रिक्टेड कर देना, इट इज नॉट गुड। अब आ जाए शेक्सपियर की तरफ, लेट्स डिस्कस अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के आप प्ले देखें तो वो अथेलो जो है, अथेलो ही देख लें तो वो कभी कहाँ पे लड़ रहा है, कभी वो वेनिस का सिटी दिखाया जाता है, कभी वो तुर्क्स जो हैं उनके बहरी बेड़े दिखाए जाते हैं, फिर वो डिफरेंट जगहों पे वो जाता है तो हम देखते हैं। इसके अलावा और देख लें आप, ये जो है ज्यू ऑफ माल्टा है, ज्यू ऑफ माल्टा जो है उसमें जो बैराबेस होता है वो कितनी प्लेसेस पे जाता है, तो उसमें भी बहुत सारी सेटिंग अगर देखें उसकी तो बहुत जगह की दिखाई गई है। तो इस तरह कन्फाइंड कर देते हैं अगर हम इस तरह ये इसको फॉलो करें इस रूल को। तो कहते जो स्यूडो क्लासिकल एरा था, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, वैसे तो स्यूडो क्लासिकल एरा का मतलब होगा ये जो क्लासिकल एज थी ना जिसमें क्लासिकल बनने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन क्लासिकल तो बन नहीं सके, क्लासिकल वर्क तो उनका ही था ना, होमर का, विर्जिल का और एरिस्टोटल, सोफोक्ली, प्लेटो, इनके दौर थे, इसको कहते हैं ना क्लासिकल एज। तो न्यू क्लासिकल एज बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो उस एज के अंदर भी उन्होंने फिर ये जो थ्री यूनिटीज थी इसको बड़ा रिजिडली फिक्स्ड कर दिया था। तो कहते हैं ना क्लासिकल एज जो थी वो रूल, रेगुलेशन, रीजन और ऑब्जेक्टिविटी की एज थी, तो उसमें बहुत सारे रूल्स जो है उन्होंने क्लासिकल एज में इम्पोज कर दिए थे लिटरेचर के ऊपर, भाई अगर आपने लिखना है तो ये क्लासिकल एज में जो रूल्स थे आप उसको फॉलो करके लिखें। ये तो फिर बाद में लोग मॉडर्न जब हुए हैं या वो मॉडर्न लिटरेचर आया तो उसमें वो अपनी तरफ से करने की कोशिश की उन्होंने, उससे पहले वो रूल जो थे वो फॉलो करने पड़ते थे। तो आज हम इन चीज़ों को ही देखेंगे। इसके बाद एक तो जी जो प्लाट है उसका, ट्रेजेडी का, वो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए उसके अंदर, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब दैट शुड बी रिमेम्बर्ड इवन इफ यू हैव फॉरगॉटन द करेक्टर्स। इतना लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नजर आए उसके अंदर कि आप सब कुछ भूल जाएं लेकिन वो प्लाट याद रहे आपको, हर सूरत याद रहे, करेक्टर के बगैर याद रह जाए। जैसे हम स्टोरीज में अक्सर सुनाता हूँ वो याद रहती हैं आपको, किंग लियर की हो, हैमलेट की हो, एग्मेमनॉन की हो। अब इनके करेक्टर जो हैं, बहुत सारे करेक्टर हमें याद नहीं रहते लेकिन स्टोरी याद है उनकी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद हाँ जी यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, ठीक है सर। तो अब अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए एक तो प्लाट जो है ट्रेजेडी का, फिर आगे उसमें एपिसोडिक वर्स्ट प्लाट है। उसने कहा कि ऐसा प्लाट अगर आप कोई बनाते हैं, एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर वो एपिसोडिक हो, एपिसोड वाइज दिखाया जाए तो वो ट्रेजेडी का जो है जो असर है वो उससे जायल हो जाता है, वो फिर ट्रेजेडी की वो अहमियत नहीं रहती, वो एपिसोडिक सी एक चीज़ बन जाती है। यू मस्ट नॉट मेक योर प्लॉट एपिसोडिक। एपिसोडिक का मतलब होता है एपिसोड वाइज दिखाना। उसके बाद लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी जो है ये ज़रूर उसके अंदर लाएं। अगर कोई एक्शन आपने शो करना है तो एक्शन जो है वो इतना कोहेरेंट और इतना कॉम्प्रीहेंसिव हो कि वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी को फॉलो करे। जिधर जा रहा है, क्या कर रहा है, वो एक्शन फिर अपनी तकमील तक जाए। आधा दिखा के आधा आगे दिखाए ना तो वो ऑडियंस के मन में ये जरूर रहता है, ऑडियंस जो है ये जरूर सोचते रहते हैं वो, भाई ये इतनी सी यहाँ पे करेक्टर आया था, आगे उसने कुछ नहीं शो किया। वो फिर करेक्टर ऑडियंस के मन में कुछ चीज़ें रह जाती हैं क्वेश्चन बन के, जो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर एक इन चीज़ों से अवॉइड किया जाए। फिर उसके बाद चूंकि ट्रेजेडी का मकसद होता है पिटी एंड फियर जो है वो अरोज करे, और उसने अपने प्लाट को लेके जाना होता है प्रोटैगनिस्ट को किसकी तरफ, कैटास्ट्रॉफी की तरफ, तो वो कॉमन एम होता है, तो कहता है कि कॉमन गोल जो है वो कैटास्ट्रॉफी होता है, तो उसकी तरफ फ्लो जो है वो चीज़ें शो करें जो उसके अंदर आप शो कर रहे हैं। ट्रेजेडी जो है उसके अंदर कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस का आपको पता है कि जो बात चल रही है पॉइंट उसी के मुताबिक ही वो चलता रहे। यू हैव टू शो यूनिटीज, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम।
उसके बाद शेक्सपियर ने इन यूनिटीज को फॉलो नहीं किया हुआ, उसने एक प्लेस पे ही आपको सारा कुछ नहीं दिखाया। यूनिटी ऑफ प्लेस को देखा जाए तो वो उसने फॉलो नहीं की। शेक्सपियर ने बहुत सारी जगह एक एक प्ले के अंदर कभी को बार वो आपको कभी किधर ले जाता है कभी किधर ले जाता, यानी एक ही प्ले के अंदर आपको वो डिफरेंट जगह दिखा देता है। कभी किंग लियर जो है वो किसी गांव में फिर रहा है, कभी किंग लियर जो है पागल बन के सार पे तिनके रख के फिर रहा है, कभी किंग लियर आपको कहीं किसी फील्ड में चला गया, कभी किंग लियर वो जो है फ्रांस चला गया है, कभी वो इंग्लैंड है, यानी इतनी बड़ी स्टेट्स का तो वो मालिक था सारी स्टेट्स का। तो अब देखें वो कितनी बड़ी स्टेट्स जो हैं वो शो करना, तो जबकि इसके ऊपर भी एडिपस पूरा उतरता है क्योंकि वो एक ही महल में ही पहले सारा कुछ डील करते हैं, ये उधर ही उसका सब कुछ, क्योंकि ग्रीक्स जो ग्रीक बात समझिएगा भी उसको पता लग जाता है डिस्कवरी। ग्रीक्स जो थे वो इसी तरह ही नॉर्सिस भी कथार्स काइंडली मुझे बोलने दें मैं उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ग्रीक्स जो थे वो अपना वो सिर्फ क्या करते थे, वो यूनिटी ऑफ प्लेस शो करते थे। मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो फॉलो करते थे वो, क्योंकि क्लासिकल एज थी, पुरानी एज थी, उनके पास 15-15 या 16-16 तो कोरस सुनाने वाले हैं। अब 16 बंदों को लेके जाना, वो साथ जो उन्होंने मास्क पकड़े हुए हैं, करेक्टर जो उनके 5-6 हैं, उनको भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ऑडियंस सामने बैठे हुए हैं उनको कहाँ लेके जाए, तो वो यानी उन्होंने तो दिखाना होता था ना। तो अब चूंकि मॉडर्न हो गया है टाइम, जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो एडवांस हो गई हैं, तो अब वो बंदोबस्त कर लेते हैं चीज़ों का, वो दिखा लेते हैं बैकग्राउंड इस तरह का लोग। तो अब अगर जो स्टेज पे जो भी दिखाई जाती हैं चीज़ें तो उसमें बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो पीछे शो, आजकल तो नई चीज़ें आ गई, अब तो ये यूनिटी ऑफ प्लेस जो है वो मैटर ही नहीं करता। मिसाल के तौर पर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने एक वीडियो बनाई, मैं आगे बोल रहा हूँ पीछे वीडियो चल रही है, देख रहे हैं ना, यानी मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे अरिस्टोटल भी, मैं चाहूँ तो अरिस्टोटल की पिक्चर लगा लूँ, मैं चाहूँ तो पीछे जो रोमन ग्रीक्स चला दूँ, मैं चाहूँ तो पीछे जो मर्जी चला लूँ, मेरे अब तो मेरे मसला ही नहीं है, यूनिटी ऑफ प्लेस का तो मसला ही नहीं रहा। मैं आपको जो कमाल है वैसे आपने बताया नहीं था, वैसे वो कमाल है। अब देखिए मैं जो सी मर्जी, अब हमारे पास तो अब ऑप्शन मौजूद है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई है, अब जो मर्जी पीछे उसके लगाएं, जो मर्जी शो करें, और जो चीज़ें हैं वो आपके पीछे वैसे वैसे बोलते जाएंगे, पीछे पीछे चीज़ें डिस्प्ले होती जाएंगी। आजकल तो ऐसे हुआ कि दो करेक्टर हैं वो बोल रहे हो आपको इंग्लैंड ले जाएं, अमेरिका ले जाएं, तो ये तो अब मैटर ही रहा, ये बात हो गई अब क्लासिकल है, यानी ये कौन करते थे, ये ग्रीक, जैसे ईडिपस रेक्स की मिसाल दे सकते हैं कि वो था, ठीक है जी। ये सारे पॉइंट है और जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा ये चीज़ें यही हैं। तो सर इसका मतलब ये यूनिटी थ्री यूनिटीज जो है ये मॉडर्न एज में नहीं आती, यूज नहीं होती हैं, क्लासिकल एज में ज्यादातर यूज हुई हैं, क्लासिकल एज में ज्यादा यूज होती थी। शेक्सपियर जो है उसने इन चीजों का वॉयलर्ट करके भी लिख दिया, शेक्सपियर ने तो वैसे भी आपको पता है कि वो ज्यादा माहिर था, उसने इन चीजों को सबको स्टडी किया और थॉरली उसने न्यू एक्सपेरिमेंट किए ट्रेजिडी के साथ, ठीक है। उसने ये जो सर ये थ्री यूनिटीज हैं एक्शन प्लेस टाइम, इसको अरिस्टोटेलियन टेक्निक्स भी कहते हैं ना, अरिस्टोटेलियन टेक्निक, बिल्कुल ये अरिस्टोटेलियन टेक्निक है, लेकिन अरिस्टोटल ने कहीं कहा नहीं है कि ऐसा करो, उसने बस इतना कहा था कि मैं मेरे नजदीक उसने कहा था कि चूंकि एपिक जो है वो एक लंबी दास्तान होती है किस्म की, एक नैरेटिव फॉर्म में होती है, तो उसमें तो आप जो मर्जी शो कर लें, यानी उसमें इन चीजों को वायलेट कर लें, लेकिन इसमें जो है चूंकि हम ट्रेजेडी दिखाना होता है एक ही दिन में, जी सर अरिस्टोटल ने नहीं कहा था, तो हम लिखेंगे कि उसने कहा था, समझ नहीं आई क्या कह रही है सर, उसने ये तीन टेक्निक्स बताई थी ना, तो हम उन उसके हवाले से ही कहेंगे ना कि ये उसकी ही टेक्निक्स हैं और उसने ही यूज की हैं, और अभी तक कई ड्रामास में ये बेस पे चल रहे हैं कुछ जो हैं। अब जैसे आपने भी मैं मिसाल दी ना अपनी कि मेरे बैकग्राउंड में पीछे कभी कुछ चल रहा है, मैं बेशक अरिस्टोटल लगा लूँ या कुछ भी लगा लूँ, तो अब कई राइटर्स जो हैं वो इसको नहीं शायद मानते हैं, क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट आरा दी हैं अपनी, उन्होंने डिफरेंट ओपिनियन दिए हैं कि वो कोई कहेगा मेरे नज़दीक उसने ये कहा क्योंकि मेरा मतलब ये है, जब उसने ये कहा था कि ट्रेजिडी, उसने कहा कि चूँकि
जो एपिक होती है वो लंबी होती है, एपिक में आप इन चीज़ों को जैसे मर्जी वायलेट कर लें, लेकिन चूंकि ट्रेजिडी एक ही दिन में दिखानी होती है तो उसमें अगर ये ना करें तो उसने बस इतना करा कहा कि इसको वी हैव टू प्रेजेंट इट विद इन सिंगल डे, सो इन एपिक यू कैन डू दिस और दैट। उसने बस इतनी बात की, उसने ये नहीं कहा कि ये मिस कर दो ये वो मिस कर दो, लेकिन क्रिटिक्स जो हैं आप हम पढ़ेंगे असाइनमेंट तो उसमें वो डिफरेंट अपनी ओपिनियन देंगे, तो हम उसके मुताबिक फिर लिख देंगे क्या क्या वो कहते हैं। सर ये तो फिर एरिस्टोल के सजेशंस हुए ना, तो उसकी एरिस्टोलियन टेक्निक क्यों कहा जाता है इनको? एरिस्टोटेलियन टेक्निक इसलिए है कि उन्होंने अपने एक ओपिनियन से कह दिया कि उसके उसकी बुक को पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि चूंकि ये क्लासिकल एज में यूज होती थी, तो उसने उनको एरिस्टोटल ने खुद आप खुद तो कोई ट्रेजेडी नहीं लिखी, एरिस्टोटल ने खुद तो कोई ट्रेजेडियन नहीं था, वो जस्ट उनका क्रिटिक था, लिटरेरी क्रिटिक था। इसने उनके वर्क को टोटली स्टडी किया था और उसके बाद कह दिया कि ये चीज़ ऐसे है ये ऐसे है, ये क्रिटिक है, ये खुद ट्रेजिडी राइटर नहीं था। ट्रेजिडी राइटर कौन है? सोफोकली, एस्कलीस, यूरिपिड्स, वो ट्रेजिडी राइटर थे। तो सोफोकलिस से, एस्कलीस से और यूरिपिडस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था ना, तो उसने उन सब कामों को अपने सामने रख के उनका तजिया करके तो फिर हाँ जी उसने पॉइंट आउट किया। उसने उसको कह दिया तो फर्स्ट क्रिटिक था ना, ये फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक था ये एरिस्टोटल। इसे कहते हैं कि ये फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी है, फाउंडिंग फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। देखिएगा और फादर ऑफ लॉजिक भी कहते हैं एरिस्टोटल, आपके सामने पिक्चर आ रही है। अ ग्रीक फिलॉसफर हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, द फाउंडर ऑफ द लाइसियंस एंड द पेरिपेटेटिक स्कूल ऑफ द फिलॉसफी एंड एरिस्टोटेलियन ट्रेडिशन। पेरिपेटेटिक का मतलब होता है अ स्कूल विच इज़ नॉट फिक्स फॉर वन प्लेस, इट 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 गो प्लेस टू इट गोज प्लेस टू प्लेस। तो उस वक्त के स्कूल क्या होते थे कि आप जहाँ चले गए आपका स्कूल भी, जैसे जैसे हमारी अकेडमी है ऑनलाइन, हम जहाँ चले जाएँ वहाँ ये अकेडमी चली जाएगी। तो फादर ऑफ द वेस्टर्न फिलासफी, द फाउंडर ऑफ द लाइसियम्स एंड पेरीपेटेटिक स्कूल ऑफ द फिलासफी एंड एरिस्टोटेलियन ट्रेडिशन। मेरा ख्याल है कि अपनी अकेडमी का नाम पेरीपेटेटिक ना रख दें फिर तो, लाइसियम्स एंड द पेरीपेटेटिक स्कूल। सर गैलीलियो रख लें क्या? गैलीलियो नहीं, ये ठीक है पेरीपेटेटिक, वो आजकल के दौर के मुताबिक वो साइंटिफिक जरा ये लोग पसंद करते हैं ना। मुझे तो ये ज्यादा सर पेरीपेटेटिक अच्छी है, नाम अच्छा है, पेरीपेटेटिक अच्छा है। द फादर ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी, द फाउंडर ऑफ द लाइसियम्स सर एंड ESL एकेडमी रहने दें, एक अच्छा लगता है एक चीज को बनाने में सर, ये पिटी पिटी लपिटा पिटू लगे रहेंगे, ये ठीक है ESL एकेडमी। पेरीपेटेटिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी एरिस्टोटेलियन, पेरीपेटेटिक से आप कंफ्यूज ना होना, इसका मतलब है कि स्कूल व्हिच इज मूविंग प्लेस टू प्लेस। तो वहां मैंने पे इसके असाइनमेंट में ना इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था तीन में, पेरीपेटेटिक चार, फिर जाके ये मुझे याद हुए थे पेरीपेटेटिक। अच्छा इसके अंदर कितने सिलेबल हैं कोई बताएगा? इस लफ्ज के अंदर कितने सिलेबल था? ठीक सर मैं एक बताती दो हूँ, तीन चार पांच है, पांच है इसके अंदर सर, पांच पांच पा, जितने साउंड बनती है ना, पांच है पांच है पांच है पांच है सर, ये नकल चोर है। द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलासफी, द फाउंडर ऑफ द लाइसियम्स एंड पेरीपेटेटिक स्कूल ऑफ फिलासफी। आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो अभी खामोश हो जाएं ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड देखें। थ्री यूनिटी ऑफ ड्रामा, आल्सो कॉल्ड द क्लासिकल यूनिटी एरिस्टोटेलियन यूनिटी ऑफ द थ्री यूनिटीज, यानी उसको एरिस्टोटेलियन यूनिटी या थ्री यूनिटी कह दें, उन क्रिटिक्स ने उसका नाम रख दिया थ्री यूनिटीज, ये माइंड में रखें, यानी एरिस्टोटेलियन कह दें या थ्री यूनिटीज रख दें, उसने उस वक्त ये फॉलो की जाती ग्रीक के टाइम। रिप्रेजेंट अ प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ ड्रामेटिक ट्रेजेडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव, हु विल टेल मी? रिप्रेजेंट अ प्रिस्क्रिप्टिव प्री
स्क्रिप्टिव थियरी ऑफ ड्रामेटिक यूनिट ट्रेजेडी। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है, लिख लें, प्रिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करना, ये सारी चीजें। हाँ, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि जो कहा जाए कि ऐसा करो, यू हैव टू फॉलो, इट इज फॉलो एज अ रूल, सो दिस इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव। आई प्रिस्क्राइब यू टू डू दैट, प्रिस्क्राइब दैट यू, इट इज सेड यू हैव टू डू दैट, कि कहा जाए कि ऐसा करो। डिस्क्राइब होता है कि जैसी चीज हो उसे वैसे बता देना, प्रिस्क्राइब कि यू हैव टू डू दैट। सर एक मिनट मैं बताऊं, कि आपने पहले भी पॉइंट बताया था प्रिस्क्रिप्टिव का, कि जिस तरह प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता, नुस्खे लिखे होते हैं, तो उसके नोट्स लिखे हुए थे, इज दैट कि उसने नोट्स लिखे हुए थे और ये बकायदा इसको फॉलो करना की शक्ल में नहीं था, इसको फॉलो करना है, आपको कह दिया जाए कि इसको आपने फॉलो करना है। डिस्क्राइब मीन के जो चीज है वो वैसे ही आप उसमें, आप उसको वैसे डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। इस जो डिस्क्रिप्टिव टर्म है ना, ये इसको कहा जाता है, ये बड़ी साइंटिफिक है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इज अ साइंटिफिक अप्रोच। प्रिस्क्रिप्टिव क्या हुआ कि ये बड़ी एक सब्जेक्टिव सी अप्रोच है, भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तो ये इस सेंस में आती है, स्पेशली लिंग्विस्टिक में ये बड़ी डिस्कस होती है। रिप्रेजेंट अ प्रिस्क्रिप्टिव थियरी ऑफ ड्रामेटिक ट्रेजेडी, यानी जो उसने, ये एक जानी जाती है किसके, एज अ प्रिस्क्रिप्टिव थियरी ऑफ ड्रामेटिक ट्रेजेडी। रीडिफाइंड इन 1570, ये इटालियन एक ह्यूमनिस्ट था, नाम है इसका कैस्टल वेट्रो जो है, ये तकरीबन पैदा हुआ है इटली में, 1505 में पैदा हुआ है और 1571 में इसकी डेथ हुई है। और 1570 में ये जो ह्यूमनिस्ट था, ये जो लिटरेरी क्रिटिक था, फिलोलॉजिस्ट भी था ये, तो इसने क्या किया कि इसने उसको रीडिफाइन कर दिया, यानी यही जो थ्योरी थी इसमें उसने क्या कर दिया, उसने कहा कि इसको आप यानी फॉलो करेंगे इन यूनिटीज़ में, उसको ज़्यादा उसने एक रीडिफाइन ऑर्डर के साथ पेश कर दिया। उसने कहा यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन उसमें डाल दिया, और ये उस वक्त बड़े फॉलो किए जाते थे ओल्ड टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम, द एक्शंस इन द प्लेस शुड टेक प्लेस ओवर नो मोर देन 24 आवर। यूनिटी ऑफ टाइम क्या है कि आपका जो एक्शन है, जो आप ट्रेजेडी दिखाने जा रहे हैं जो भी, वो 24 आवर तक होना चाहिए। आवर से इससे ज़्यादा अगर लेके जा रहे हो तो वो अपनी, वो फिर वो इम्पोर्टेंस ट्रेजेडी वाली नहीं रहेगी। रिप्रेजेंटेड एज अकरिंग विद इन द कोर्स ऑफ द डे, यानी इसको आप एक दिन के अंदर ही दिखाएं ट्रेजेडी को। उसके बाद यूनिटी ऑफ प्लेस, इट रिक्वायर्स अ प्ले टू अकरिंग इन द सिंगल प्लेस। यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है कि आप जो प्ले दिखा रहे हैं इसको आप एक ही जगह पे दिखाएं, चूंकि उस वक्त प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, आपने 15-16 जो कोरस हैं उनको कहाँ लेके जाना है, मास कहाँ लेके जाने हैं, इतने ऑडियंस कहाँ लेके जाओगे, कहाँ जगह चेंज करते फिरोगे, उस वक्त इतने कोई अच्छे नज़ारे भी नहीं होते थे, प्लेसेस भी नहीं होती थी, तो आपके पास अरेंजमेंट भी नहीं होता था, तो ये सारे मसाइल जो हैं ओल्ड टाइम में मौजूद थे। और बहुत बड़ा एक वहाँ पे स्टेज सजाया जाता था और बड़े बड़े जो ड्रामेटिस्ट थे वो अपने ड्रामा लेकर आते थे और प्ले करवाते थे, ठीक है। और फिर इसमें इन चीज़ों की लिमिटेशन मौजूद थी, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशन को इंडोर्स करना पड़ता है कि भाई ये हमारी लिमिटेशंस हैं, हम इन लिमिटेशन के अंदर ही काम कर सकते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ प्ले, ये क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी, इट रिक्वायर्स अ प्ले टू अकर इन अ सिंगल प्लेस शुड नॉट अटेम्प्ट टू कंप्रेस जियोग्राफी। आप जियोग्राफी को आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते, यानी आपके पास ये भी लिमिटेशन है कि शुड नॉट अटेम्प्ट टू कंप्रेस जियोग्राफी। अब कैसे दिखाएंगे, आपने एक इधर की दिखानी है, एक उधर की, आप इतनी चीजों को इकट्ठा कैसे दिखाएंगे आप, यानी एक ही जो काम है। अगर आप फिर उसमें ये भी मसाइल थे उस वक्त कि अगर आप 5-6 प्लाट चला लेते हैं, एक प्लाट दिखाएंगे, दूसरा दिखाएंगे, चौथा दिखाएंगे, ये बड़े मसाइल होते थे। द स्टेज शुड नॉट रिप्रेजेंट मोर देन वन प्लेस, द स्टेज शुड नॉट रिप्रेजेंट मोर देन वन प्लेस, यानी आपका स्टेज जो है वो ज्यादा प्लेसेस की लिमिटेशन भी मौजूद है। अगर आप ज्यादा प्लेसेस यूज करेंगे, शो करवाएंगे, तो कहाँ करवाएंगे, आपके पास स्टेज तो एक है। तो दीज थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग ड्रामा, स्पेशली ट्रेजेडी। यूनिटी ऑफ एक्शन, इट रिक्वायर द प्ले हैव अ सिंगल एक्शन, ठीक है, शुड हैव वन मेन एक्शन, उसके अंदर एक मेन एक्शन। आप एडिपस रेक्स को गौर से देखें, उसके अंदर मेन एक्शन क्या है,
मेन एक्शन यही है कि एक बच्चा पैदा होगा, वो बड़ा होकर अपनी मदर से शादी कर लेगा, बाप को कत्ल कर देगा। अब सारा प्ले जो है उसके गिर्द ही घूमता रहता है। शुड हैव मिनिमल सब प्लाट, उसके मिनिमल उसके अंदर सब प्लाट हो। अगर ज्यादा सब प्लाट होंगे तो वो मैनेज नहीं हो पाएंगे एक स्टेज के ऊपर आपसे। उसके बाद जी व्हाई दिस इज यूजफुल, ग्रैब द अटेंशन। अब ये यूजफुल क्यों था, यानी अगर आप ये चीजें करेंगे तो ये यूजफुल क्यों हमारे लिए, कैसे यूजफुल होगा, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ। आजकल मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें आप प्लेस टाइम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आजकल तो ये भी आ गई है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ गई है, ठीक है। आजकल तो नई टेक्निक ये आ गई, तो आप बस अपने स्टेज के ऊपर ये लिख दें कि आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर के बाद आपको खुद पता है कि क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं। कि आपने अगर कोई चीज़ शो करनी है और एक ही दिन में कवर करना है, तो आप स्क्रीन के ऊपर लिख दें आफ्टर 20 ईयर। आफ्टर 20 ईयर क्या होगा, आप बहुत सारे चेंजेस आए, कोई जवान था कोई तो वो बूढ़ा हो गया, ठीक है, जो कोई बच्चा था वो शादी उसकी होने वाली हो गई, तो कितनी चेंजेस आ गई। ये एक न्यू टेक्निक है, उस वक्त ये टेक्निक नहीं थी। ग्रैब द अटेंशन ऑफ ऑडियंस, यानी इसके जरिए आप अगर एक ही प्लेस रखेंगे तो आप अटेंशन की ग्रैब कर सकते हैं। Hold to these unity, give your play a momentum. आपका प्ले जो है यूनिटी से ज़्यादा अहम लगेगा, इम्पॉर्टेंट लगेगा। ऑडियंस कैन विजुअलाइज ईजिली, ऑडियंस भी आसानी से इसको विजुअलाइज कर सकेंगे, यानी उनके जहन में वो उतर जाएगा, वो देख लेंगे, उसे विजुअलाइज कर लेंगे। और उसके बाद ये कुछ ऑल माई सन, ये है अ ट्रेजिक प्ले बाय द आर्थर मिल्लर इन 1947, ठीक है। आर्थर, ये एक यानी वार के बारे में है प्ले। फॉलोज द 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा, यूनिटी ऑफ टाइम, द होल प्ले अकरिंग इन अ सिंगल डे, ये सिंगल डे में उसने कंडक्ट करवाया है, संडे मॉर्निंग टू इवनिंग। और उसके बाद यूनिटी ऑफ प्लेस है, इसमें द प्ले अकर ऑन अ सिंगल सेट, द बैक यार्ड्स ऑफ द जो किलर्स होम इन द समाल, यानी एक जॉब किलर जो उसका प्रोटैगनिस्ट है उसके घर में ही ये उसको उसने शो करवाया है, यानी उसकी सेटिंग ही ऐसी रखी है। उसके बाद अमेरिकन टाउन है, यूनिटी ऑफ एक्शन है, राइजिंग क्लाइमेक्स है इसके अंदर, फॉलिंग एक्शन ऑफ जॉब किलर्स, और उसके बाद यूनिटी ऑफ टाइम। हाँ जी, ये रेनकोट एक मूवी है, ये भी ये मैंने देखी हुई आई थिंक, हाँ ये मूवी शायद आप लोगों ने देखी हो। इसमें अजय होता है, तो एक शायद शौर्या है इसमें, और ये घर में ही बैठे रहते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं ये मूवी बिल्कुल इसी पे बनी है, एक ही घर में ही उसका पूरी सेटिंग उन्होंने आपको दिखा दी है। तो बेस्ड ऑन द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ हेनरी, इट टेल्स लव ऑफ द 2 लवर्स सेपरेटेड बाय डेस्टिनी हु मीट अगेन वन डे, तो इसको आप देख सकते हैं, ये भी आपको बता देगा कैसे उन्होंने यूनिटी ऑफ प्लेस को कैसे मेंटेन किया। उसके बाद यूनिटी ऑफ प्लेस इन द हॉलीवुड, ये देख लें एंग्री मैन 1957, ये भी एक ही जगह पे यूनिटी टेक प्लेस ऑलमोस्ट इंटायरली इनसाइड द ज्यूरी रूम, एक ज्यूरी रूम है, बहुत सारे लोग बैठे हैं आपस में गपशप कर रहे हैं, वहां पे गपशप चल रही है, वहां पे वो एंड हो जाता है। परहैप्स मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ द फिल्म सेट इन द वन लोकेशन, ये जी यूनिटी ऑफ प्लेस आपकी हो गई। अब ज़रा अपनी असाइनमेंट निकालिएगा, इसमें यही चीज़ें डिस्कस की हैं, हमें ज़्यादा समझ आएगी। आप ओपन प्लीज 3 यूनिटी क्वेश्चन आया हुआ है। 4 मिनट, हाँ जी सर, 3 मिनट रह गए हैं ये मीटिंग ओवर होने में। मैं करता हूँ इसको मैनेज, मैं थोड़ा सा इतनी देर में कुछ कर लूँ इसको। 3 ड्रामेटिक यूनिटी, the concept of the 3 unities, Aristotle's view, later histories and the modern conception, yani jab aapse wo is tarah ka question puchega to aapne Aristotle ka view hai jo 3 dramatic unity ke matlab later history mein use kya kaha jata tha aur baad mein kya changes aayi hai uske andar, modern concept kya hai uske bare mein, wo sara kuch batana hai. To jaise Raymond Williams ne kaha tha ki हर चीज़ की डेफिनेशन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी एडवांसेस लॉट ऑफ मीनिंग्स आर चेंज, मीनिंग चेंज हो जाते हैं, नए मानी मिल जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं, तो ये हम इसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। अब ट्रेजेडी की डेफिनेशन जो है वो चेंज कर दी जाए,
ना कि एक रॉयल फिगर और वो ऊपर से नीचे आए और उसके बाद एक हमारटिया हो और वो डॉन फ्लावरफॉल का शिकार हो। एक जो ट्रेजेडी है वो एक एक आम शख्स की भी हो सकती है। वैसे भी डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं तो डेमोक्रेसी में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। तो रेमंड विलियम ने उसको बड़े उसकी जो उसकी क्रिटिक दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मजीद पता चलेगा कि एग्जैक्टली देर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन इन ट्रेजिडी। ट्रेजिडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। इसकी डेफिनेशन को हमें बदलना पड़ेगा। जब हो चुका है, यानी आप मेडिवल एज में देखें, रेनेसेंस एज में देखें, क्लासिकल एज में, न्यू क्लासिकल एज में, मॉडर्न एज में, पोस्ट मॉडर्न एज में, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। जब आ गई हैं तो कहता है एक्सेप्ट कर लो, फिर इसकी डेफिनेशन भी चेंज कर देनी चाहिए। तो वो एक न्यू डेफिनेशन जो है वो आपको देता है। हम उसको भी देखेंगे फिलिप सिडनी के बाद। देयर आर थ्री ड्रामेटिक यूनिटी, द यूनिटी ऑफ एक्शन, द यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ द प्लेस। एवर सिंस द रेनेसेंस टू आर्गूमेंट्स वर एडवांस इन द सपोर्ट ऑफ द थ्री यूनिटी। हाँ जी, फर्स्ट दैट द एरिस्टोटल हैड सपोर्टेड देम्स एंड सेकंडली दैट दे आर नेसेसरी। यानी लोग क्या कहते थे इसके बारे में कि एरिस्टोटल ने भी इसको सपोर्ट किया। दूसरा पॉइंट क्या था? फर्स्ट एरिस्टोटल हैड सपोर्टेड देम। एरिस्टोटल ने तो जो लिटरेचर पढ़ा उस वक्त यूरोपिड का, एस्किलिस का, या जो दीगर उस वक्त ट्रेजिडी राइटर्स थे, उसके मुताबिक उसने बता दिया भी ये चीज़ें ऐसे ऐसे मौजूद हैं। दैट फर्स्ट एरिस्टोटल हैड सपोर्टेड देम्स एंड सेकंडली दैट दे आर नेसेसरी टू क्रिएट ड्रामेटिक एल्यूजन्स एंड मेक ड्रामा क्रेडिबल एंड कन्विंसिंग। इससे कन्विंसिंग होता है ड्रामा और क्रेडिबल होता है। हाउएवर ड्यूरिंग द सूडो क्लासिकल एरा। अब सूडो क्लासिकल एरा क्या है? सूडो का मतलब लिखें फॉल्स, अनरियल, बोगस, इस सब को कहते हैं इसके मानिए सूडो के। सूडो मीन समथिंग आर्टिफिशियल, नॉट रियल, तो उसको कहेंगे सूडो क्लासिकल। यानी क्लासिकल एज तो वही एज थी जो पुरानी एज थी, होमर, विर्जल और उनके जो वर्क थे। अब ये जो बाद में क्लासिकल एज आई थी, ये क्लासिकल रियल तो नहीं थी, इसीलिए तो उसे कहते हैं न्यू क्लासिकल एज, सूडो क्लासिकल एरा बनाने की कोशिश की गई थी। वैसा द ड्रामेटिक यूनिटीज वर मेड इन टू द रिजिड रूल्स एंड देयर ऑब्जर्वेंस वॉज कंसिडर्ड असेंशियल फॉर द ड्रामा। उन लोगों ने उस वक्त उस एरा को, जो क्लासिकल न्यू क्लासिकल एरा था, स्पेशली अलेक्जेंडर पॉप की जो एज है, आप उसमें देखें तो उसमें वो रूल रेगुलेशन फिक्स थे कि आपने अगर पोइट्री करनी है तो वो कैसे वो करता है। हीरोइक कॉपलेट में कहता है चार्म स्ट्राइक द साइट, मैरिट विन द सोल। तो वो एक हर चीज को कैसे कॉपलेट के अंदर वो बांधता जाता है, टू लाइन्स का कॉपलेट बनाता है। तो इट इज़ यू नो दैट दैट इज इम्पॉसिबल इन मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में कोई इसको फॉलो नहीं करता। वॉल्ट विटमैन जैसे आ गए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इस तरह के नए नए पोइट्स जब आए, उन लोगों ने फिर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए नए अंदाज से पोइट्री को। अमेरिकन पोइट सारे एक्सपेरिमेंटल थे। द कंसेप्ट ऑफ द थ्री यूनिटीज वॉज डिड्यूस फ्राम द एरिस्टोटल। बट ये डिड्यूस का मतलब होता है कि उन्होंने वहां से निकाला है, नतीजा अखस करना उसकी बातों से, क्योंकि उसने वाजे नहीं लिख दिया था कि ये थ्री यूनिटी फॉलो करें, उसने लिख दिया था कि ऐसे ऐसे, तो उनसे फिर उन्होंने ड्राइव कर ली चीजें, उसे डिड्यूस कर ली फ्रॉम द एरिस्टोटल। बट ही हैड स्ट्रेस ओनली वन यूनिटी। कहते हैं कि उसने सिर्फ एक यूनिटी की बात की थी, यूनिटी ऑफ एक्शन की। यूनिटी ऑफ एक्शन को आप ना मेंटेन रखें, कि वो उसको उसके अंदर यूनिटी लाएं कि आप जो एक्शन शो करवा रहे हैं
वेलकम बैक. द कंसेप्ट ऑफ द थ्री यूनिटी. काइंडली लेट मी नो एम आई ऑडिबल टू यू. इफ आई एम ऑडिबल देन आई स्टार्ट. एम आई ऑडिबल? वेरी नाइस. द कंसेप्ट ऑफ द थ्री यूनिटी वॉज डिड्यूस फ्रॉम द अरिस्टोटल्स बट ही हैड स्ट्रेस ओनली वन यूनिटी, द यूनिटी ऑफ एक्शन. उसने कहते यूनिटी ऑफ एक्शन की ही बात की थी लेकिन लोगों ने डिड्यूस कर लिया बहुत से कि थ्री यूनिटी को ही मेंटेन करो. ही सेज दैट द एक्शन ऑफ ट्रेजेडी मस्ट बी अ कंप्लीट होल एंड इट मस्ट हैव ऑर्गेनिक यूनिटी. कि यूनिटी जो है वो एक कंप्लीट होल होना चाहिए और वो ऑर्गेनिक यूनिटी लगे, वो ऐसे लगे कि सारी जो है हर चीज जो है वो वेल बैलेंस्ड है उसके अंदर. अरिस्टोटल कंपेयर्स द प्लॉट ऑफ द ट्रेजेडी टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो इसे एक लाइव चीज, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहता है, एक सोल कहता है. अरिस्टोटल कंपेयर प्लॉट को कैसे कंपेयर करता है? एक लिविंग सोल है, एक उसकी सोल है पूरी जो प्लॉट है किसी ट्रेजेडी की. मिसाल के तौर पर अगर वो कहता उसे आप निकाल दें तो उसके ट्रेजेडी के अंदर कुछ नहीं रहेगा. मैं पूरा प्लॉट जो है किंग लीगर का निकाल के साइड पे कर देता हूँ, आप जितने मर्जी करेक्टर डाल लें वो फिर वो जान नहीं रहेगी. अरिस्टोटल कंपेयर्स द प्लॉट ऑफ द ट्रेजेडी टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सेज दैट जस्ट एज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एवरी पार्ट इज अ हार्मोनियसली रिलेटेड टू ईच अदर. यानी हर चीज जो है इंसान की बॉडी है ना, तो एक पूरा एक उसका एक स्ट्रक्चर है पूरा. एक अगर उसमें से हैंड या एक फिंगर भी आप काट दें तो इंसान इनकम्प्लीट तो हो जाता है ना. तो इस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक कंप्लीट होल होना चाहिए उसके प्लॉट को, कि उसमें कोई चीज मिस ना हो, नहीं तो फिर वो इनकम्प्लीट रह जाएगा. एंड से दैट जस्ट एज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एवरी पार्ट इज हार्मोनियसली रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू द होल, सो द ट्रेजेडी इज ऑल्सो वेरियस इंसिडेंट एंड इवन मस्ट बियर अ प्रोपोर्शनेट एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप विद ईच अदर जस्ट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे कि इंसान का बॉडी होता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब लिखें बॉडी, नो पार्ट इज सुपरफ्लूअस. कोई चीज भी सुपरफ्लूअस नहीं होती. बॉडी के अंदर कोई चीज भी एक्स्ट्रा हो तो वो बड़ा बुरा सा लगता है. मिसाल के तौर पर इंसान की पांच उंगलियां हैं तो अगर एक हाथ में दस हो तो वो अजीबोगरीब लगेगा. तो इंसान को जैसे बनाया गया है, कोई अबनॉर्मल और अबनॉर्मल लोग होते हैं तो उसमें कैसे फिर लगता है, तो वो अपनी खूबसूरती फिर खो देता है. तो हर चीज जो है वो एक वेल ऑर्गेनिज्म और एक बड़ा प्रोपोर्शनेट फॉर्म में, हार्मोनियस फॉर्म में होना चाहिए प्लॉट. उसमें कोई सुपरफ्लूअस एक्स्ट्रा इररिलेवेंट चीज़ों की गंजाइश नहीं होती. नो पार्ट इज सुपरफ्लूअस. सुपरफ्लूअस का मतलब एक्स्ट्रा लिखें मतलब. एंड ईच पार्ट इज असेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड कांट बी रिमूव विदाउट कॉजिंग इंजरी टू इट. And same is the case in the plot of the tragedy. Every event and every incident is necessary and essential. Har cheez event jo hai usme zaruri hai aur essential hota hai. There should be nothing superfluous. It should be possible to take out any characters or incident without causing injury to the plot. आगे जी, डाइग्रेशंस एंड एपिसोड्स मे बी इंट्रोड्यूस्ड बट दे मस्ट बी मेड एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट एंड मस्ट कंट्रीब्यूट टू द होल इफेक्ट विच द ड्रामेटिस्ट वांट टू क्रिएट. अगर आपने कोई डाइग्रेशन लाना है तो वो उसे भी प्लॉट के साथ असिमिलेट करें, कंट्रीब्यूट करें वो उसके साथ, और वो उसके साथ मिल जाए और एडजस्ट भी हो जाए. अगर एडजस्ट नहीं हो रहा तो डोंट ऐड डाइग्रेशन. इट शुड नॉट बी पॉसिबल इवन टू ट्रांसपोर्ट देम, shift them from one place to another. और ये भी कहता है पॉसिबल नहीं कि आप उसको इधर उधर ले जाएं, चूंकि उस वक्त की बात हो रही है. उस वक्त आप प्लाट को इधर उधर लेकर नहीं जा सकते. अगर आप उसे शिफ्ट करेंगे, एक जगह से ट्रांसपोर्ट करेंगे इधर उधर, तो उसमें बहुत सारे मसाइल आ जाएंगे उसकी सेटिंग में दिखाने के दौरान. Therefore, Aristotle regard episodic plot as the worst. ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना वो उसने बोल्ड लिखी हुई हैं. ये उसके अरिस्टोटल की अपनी बातें हैं, अरिस्टोटल ने ये लिखा है. अरिस्टोटल रिगार्ड एपिसोडिक प्लॉट एज द वोस्ट. उसने उसको बोल्ड किया है बुक वाले ने, आप इसको अंडरलाइन कर लें. उसने खुद उसको, अरिस्टोटल ने कहा कि ये वोस्ट किस्म का प्लॉट है जिसमें आप एपिसोडिक बना देते हैं उसके प्लॉट को. फॉर दे आर द प्लॉट इन विच द एपिसोड्स आर नॉट प्रॉपरली इंटरलिंक्ड. और एपिसोड जो है वो इंटरलिंक भी नहीं अच्छी तरह होते. विद द मेन डिजाइन,
सो दे डू नॉट फ्रॉम एन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द होल, तो वो एक मकम्मल यूनिट नहीं बनते वो पूरी दास्तान जो स्टोरी आप दिखा रहे हैं. फेलियर इन द एपिसोडाइजिंग इज द वोस्ट फॉल्ट, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है. फॉर इट इज अ वायलेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ एक्शन, ये यूनिटी ऑफ एक्शन की वायलेशन है. यूनिटी ऑफ एक्शन मेक द प्लॉट इंटेलिजिबल कोहेरेंट एंड इंडिविजुअल. बुच्चर सेज यूनिटी ऑफ एक्शन जो है ना, आपने एक एक्शन कर दिया, उसको वहां ही रोक दिया, आधा कर दिया, पूरा नहीं दिखाया, तो यू आर गोइंग टू लूज योर यूनिटी. आप फिर यूनिटी नहीं ला रहे उसके अंदर. द यूनिटी ऑफ द ट्रेजिक एक्शन इज अ ऑर्गेनिक यूनिटी एंड इनवर्ड प्रिंसिपल विच रिवील्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एन आउटवर्ड होल. देयर आर नंबर ऑफ इंसिडेंट इवेंट एंड सिचुएशन बट दे आर सो यूनाइटेड एंड रिलेटेड स्ट्रक्चरली दैट दे फॉर्म अ कंप्लीट होल. These various events are united in the two way first. They are connected with each other by the law of necessity and probability. इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो आपने चीज दिखानी है वो वैसी हो भी आ गई. मिसाल के तौर पर दो बंदे दोनों को मार रहे हैं तो उसका वो आपस में लड़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी दिखाना चाहिए. यानी वो लड़ रहे हैं वहां पे छोड़ दिया, आगे कुछ आपने दिखाया नहीं, तो यू मस्ट शो द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी. जो चल रही है सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग उसका एंड भी करें. जैसे क्या सिचुएशन है कि जैसे इडिपस जो है वो गुजर रहा है, जहाँ पे थ्री क्रॉस जो है वो थ्री रोड क्रॉस होते हैं, वहां दोनों बेटे और फादर की जब कोलिजन होता है, चूंकि उन्होंने पहले प्रेडिक्शन दी हुई है कि बेटे ने बाप को मारना है, तो वो कैसे उनके हाथों से मरवाता है फिर राइटर इडिपस जो सोफोकली है, फिर वहां पे वो करता क्या क्या एक्शन करवाता है उसे कि वो गार्ड उनके गार्ड्स को भी मार देता है और उस लियोस को भी मार देता है. यानी वो जो उन्होंने पहले प्रेडिक्शन दी है, जो उन्होंने प्रोफेसी की हुई है, जो ओरेकल की प्रोफेसी है, वो उसको पूरा करवाता है. ये है नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी. सो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर्स बाय द लॉ ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी. They are probable and necessary under the given circumstances furthermore and they follow each other logically and inevitably. Thus there is a logical link up of the various events. Therefore the sequence of the cause and effects bind hota hai jodna, bind them together. Secondly they are unified by the fact that they all move forward towards a common goals and catastrophe. चूंकि एक ट्रेजेडी का मकसद होता है कैटास्ट्रोफी की तरफ लेके जाना अल्टीमेटली हीरो को, तो वो कैटास्ट्रोफी जो उनका मेन पर्पस कलेक्टिव पर्पस होता है उसकी तरफ इवेंट लेकर जाए. द बिगिनिंग लीड लॉजिकली एंड इनविटेबली टू द एंड विदाउट एनी डाइग्रेशंस एंड एपिसोड्स कम टू देयर इज यूनिटी इन वैरायटी. दो देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स एंड द सीन्स येट दे ऑल कन्वर्ज. कन्वर्ज का मतलब लिखें इकट्ठा करना, असेंबल करना, इकट्ठा करना. येट दे ऑल कन्वर्ज टू अ सिंगल पॉइंट, सब इकट्ठे हूं एक सिंगल पॉइंट. बहुत सारे इवेंट होते हैं कहता है, लेकिन वो सारे कन्वर्ज हो रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं इन अ सिंगल पॉइंट लॉजिकली एंड इनविटेबली. डाइग्रेशन एंड एपिसोड्स मे बी परमिटेड इन द एपिक. अब यहां पे बात वही आ गई कि एपिक में ये डाइग्रेशन और ये सारे वेलकम होते हैं. बट ड्रामा इज अ कॉम्पैक्ट, ड्रामा एक बड़ा कॉम्पैक्ट सा होता है, एक दिन में आपने दिखाना है. अब इतने दिन भी नहीं ले सकते, लंबा भी नहीं चला सकते, 14-15 बुक्स भी नहीं होती उसमें, तो आपने वैसे भी वो प्ले करवाना है, डिस्प्ले करना है, डायलॉग्स होंगे उसमें, तो वो बड़ा कॉम्पैक्ट सा होता है. उसमें लंबी लंबी बातें तो नहीं सुना सकते, नरेट तो नहीं कर सकते, आप डायलॉग ही बोलने हैं, तो दैट मस्ट बी वेरी कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट का मतलब होता है ब्रीफ. जैसे बेकन की देखें, वो उसकी स्टेटमेंट कितनी कॉम्पैक्ट थी. अनइजी लाइज ऑन द हेड ऑफ दोज हु वियर्ड्स क्राउन, तो वो एक लाइन बोलता तो उसमें कितनी बातें जो आ जाती. डाइग्रेशंस एंड एपिसोड्स मे बी परमिटेड इन द एपिक, बट ड्रामा इज अ कॉम्पैक्ट होल एंड देयरफॉर ऑल द सुपरफ्लुइटी, जो इररिलेवेंट चीजें होती हैं, इज रिगोरसली, उसको हम रिगोरसली क्या करते हैं, हम उसको एक्यूरेट करते हैं. रिगोरसली एक्सक्लूडेड, हम उसे बड़ी अख्तियार से क्या करते हैं, रिगोरसली बड़ी अख्तियार से केयरफुली उसको एक्सक्लूड करते हैं, निकालते हैं फ्रॉम इट. द ट्रेजेडी देयरफॉर हैज अ ग्रेटर कंसंट्रेशन, ग्रेटर कोहेरेंस एंड द ग्रेटर इफेक्टिवनेस. ट्रेजेडी के अंदर एक तो चीज है कि वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए,
जो टॉपिक है वो कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, कि जो पॉइंट है शुरू से आखिर तक वही चल रहा हो, इधर उधर ना आप भटक जाएं। आप कोई नरेट तो कर नहीं रहे कि आप बैठे हैं और आप नरेट करते जा रहे हैं, 15-16 किताबें लिख दें, 18-20, नहीं तो उसके अंदर इफेक्टिवनेस भी रही। अरिस्टोटल कंसेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन इज नॉट अ फॉर्मल एंड मैकेनिकल, रादर इट इज एन इनवर्ड प्रिंसिपल। ही हिमसेल्फ टेल्स दैट द यूनिटी ऑफ प्लॉट डज नॉट कंसिस्ट इन द यूनिटी ऑफ द हीरो। अब यूनिटी ऑफ प्लॉट जो है वो आप हीरो की यूनिटी ना दिखाते रहें, बल्कि आपने किसको दिखाना है, प्लॉट की यूनिटी दिखानी है। फोकस आप हीरो पे ना कहीं कर दें। प्लॉट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सोल ऑफ द ट्रेजेडी। ही हिमसेल्फ टेल्स द यूनिटी ऑफ द प्लॉट डज नॉट कंसिस्ट इन द यूनिटी ऑफ द हीरो एज सम पर्सन थिंक्स दैट आर इनफाइनाइटली वेरियस। Infinitely various are the incidents in one man's life which can't be reduced to the unity, and so to there are many actions of one man's out of which we can't make one action. Unity of action can't arise from the fact that all the different incident happen through the single person. On the other hand, artistic unity requires a rigorous process of selection and ordering of the material. Rigorous ka matlab likhe correct, accurate। कहता है कि आर्टिस्टिक यूनिटी रिक्वायर्स, ये रिक्वायर करती है कि आप एक्यूरेट अमल करें, किसका, सिलेक्शन का, ऑर्डरिंग का, मटेरियल को इस तरह ऑर्डर करें, एक्यूरेटली ऑर्डर करें, अरेंज करें, सिलेक्ट करें। द ट्रेजिक एक्शंस आर द ट्रेजिक प्लॉट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज। आगे जी कहता है, चेंज फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी। All such events which do not contribute logically and inevitably to this process of change must be rigorously eliminated. जो चीजें irrelevant है, superfluous है, to the point नहीं है, उनको आप remove कर दें। The artist need not to follow the chronological sequence of events. He may transpose event and incidents to reveal the dooms of the hero. उसने दिखाना क्या है, doom of hero, उसकी कैटास्ट्रोफी। तो उसको दिखाने के लिए उसे जो भी करना पड़ता है वो करे। उसका मेन फंक्शन तो यही है कि वो पिटी और फियर को अरोज करे उसके जरिए। विद द ग्रेटर क्लियरेंस, मैनी अदर इवेंट्स मे बिफॉल द हीरो बट इफ दे आर नॉट रेलिवेंट टू द एंड दे आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लॉट विद द रिगोरस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग मटेरियल। अगर वो इरेलीवेंट मटीरियल है उसके अंदर, तो वो एक राइटर क्या करता है, उनको एक्सक्लूड करता है यहां तक के, और उसको रिगोरस वे से करता है। रिगोरस मीन एक्यूरेट वे से, उनकी ऑर्डरिंग और उसका प्रोसेस करके उसे एक वेल रिफाइंड जो है एंड प्रोडक्ट बनाता है। इन अ स्टोरी देयर माइट बी अ लार्ज वैरायटी ऑफ द इंसिडेंट बट अरिस्टोटल रूल्स आउट प्लूरलिटी ऑफ एक्शंस। यानी हमने ये पहले भी चीज डिस्कस की थी कि एक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक लीडिंग रोल हासिल है एक प्लॉट के अंदर। देयर शुड बी वन एक्शंस आर प्लॉट, देयर ही इज अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन टू द सब प्लॉट, सिमिलरली ही इज अगेंस्ट द डबल एंडिंग्स। वो डबल एंडिंग के खिलाफ था कि एक ही, आप मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ट्रेजेडी की एंडिंग कर रही हैं तो वो 4-5 एंडिंग हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो वो कोई मजा नहीं आता, फिर एक एंडिंग होनी चाहिए। तो कहता है ये सब प्लॉट, सिमिलरली ही इज अगेंस्ट अ डबल एंडिंग, ट्रेजिक एंड फॉर सम ऑफ द करेक्टर्स एंड द हैप्पी एंड फॉर द अदर्स। ही थिंक्स दैट दिस प्लूरलिटी ऑफ एक्शंस एंड सच डबल एंड डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, ये टेंशन को डाइवर्ट करता है एंड वीकन द ट्रेजिक इफेक्ट, द डैमेज इज वेरी पर्पस ऑफ द दे डैमेज द वेरी पर्पस ऑफ ट्रेजिडी। तो इससे क्या होता है, ट्रेजेडी का जो पर्पस है वो लॉस हो जाता है। एक तो आप एंड एक रखें उसका, ज्यादा एंडिंग ना करें, और फिर उसने कहा कि ज्यादा सब प्लॉट भी ना डालें, सुपरफ्लूअस चीजों को, इररेलेवेंट चीजों को निकाल दें। प्लूरलिटी ऑफ एक्शन वेलकम है, लेकिन प्लूरलिटी ऑफ एक्शन डबल एंडिंग में ना हो, ये बातें याद रखें। दस अरिस्टोटल रूल्स आउट ट्रेजिक कॉमेडी, उसने ट्रेजिक कॉमेडी के कंसेप्ट को भी अच्छा नहीं समझा कि दोनों को मिला के पेश करें। हालांकि ये देखें, जिंदगी जो है वो खुशी गमी का मिलाप है, और अरिस्टोटल की बहुत सारी बातें जो हैं बाद में गलत साबित हुई। इवन के हमने एक वर्क पढ़ा था, उसमें बहुत सारी चीजें जो है लोगों ने अपने पास से भी डाल ली हैं। क्रिटिक्स जो हैं वो तो उस वक्त तो क्या लिख गए हैं, आजकल जैसे बहुत सारे लोग जो हैं इर्तगल का जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं,
तो उन्होंने वो कोई और बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे अपने ही पकोड़े बना के दोगी, समोसे बना के दोगी, वो इस तरह की बातें उसके ऊपर लगी हुई ट्रांसलेशन में। तो इस तरह ये लोगों ने बहुत सारी चेंजेस भी कर दी हैं। हमने जोनाथन स्विफ्ट को पढ़ा था गलेवर ट्रैवल में, जब वो एक ट्रैवल पे जाता है आई थिंक लास्ट ट्रैवल पे, तो वहाँ पे जब वो अरिस्टोटल की रूह से उसकी मुलाकात होती है, तो वहाँ पे कहता है कि बहुत सारी लोग चीज़ें जो हैं कैसे लोगों ने मेरे साथ मंसूब की हैं, मैंने वो बातें कही नहीं हैं। तो इस तरह इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस भी हैं। अब अरिस्टोटल की बहुत सारी बातें, अगर अरिस्टोटल की मैक्सिमम बातें साबित होती हैं, तो इसका मतलब है कुछ लोगों ने फिर जो गलत बातें हैं वो कुछ लोगों ने अपनी तरफ से फिर डाली हैं जो गलत हैं, जो साबित ठीक नहीं हो रही। अब अरिस्टोटल ने ट्रेजी कॉमेडी, कहते जी ट्रेजी कॉमेडी के वो खिलाफ था, जबकि शेक्सपियर ने बाद में शो कर दिया कि ट्रेजी कॉमेडी जो है, चूंकि लाइफ जो है गमी खुशी का मिलाप है, लाइफ तो ट्रेजी कॉमेडी होनी चाहिए। लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, तो इन लिटरेचर वी मस्ट इंक्लूड ट्रेजी कॉमेडी। उसने ट्रेजी कॉमेडी पे वर्क किया। द टेम्पस जो है वो ट्रेजी कॉमेडी है, वो आप देखिएगा उसमें दोनों चीज़ें शामिल की, उसने हैप्पी एंडिंग की है। Aristotle ruled out the tragic comedy and introduction of the comic relief. However, it should be noted that the Elizabethan drama, particularly the play of the Shakespeare, have demonstrated without the shadow of doubt that the introduction of the comic relief increased the entertainment value of tragedy, the heightened the effectiveness of the catastrophe by contrast. Tragic comedies are the nearest to the nature. Tears and smiles, joys and sorrow mingle in life. Wahi cheez jo maine baat ki wahi usne likhi hai. As they must also mingles in drama, और ये लाइफ में भी होती है ट्रेजिक कॉमेडी, तो आप ड्रामे में भी शामिल करें, शेक्सपियर ने फिर किया। Aristotle's rigid separations of the comic and the tragic, the gay and the serious is not justified. Shakespeare's experiment of the comic relief, यानी ये बात तो इसकी रद्द हो गई कि आप अपनी ट्रेजिडी के अंदर ट्रेजिक कॉमेडी नहीं डाल सकते, कॉमिक रिलीफ नहीं डाल, आप डालें उसके अंदर। आगे जो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ट्रेजिडी अटेम्प्ट एज फार एज पॉसिबल टू रिमेन विदाउट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन, टू रिमेन विद इन वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। ही वॉज रेफरिंग टू द टाइम्स कवर्ड बाई द ड्रामेटिक एक्शन ऑफ द प्ले। दिस इंटरप्रिटेशन अकॉर्ड्स विद द रैशनलिस्ट बायस ऑफ द न्यू क्लासिक क्रिटिक। दे आर्ग्यू दैट द स्पेक्टेटर वुड नॉट बिलीव इन रियलिटी ऑफ एन एक्शन दैट कंप्रेस सेवरल डेज इन टू द 3 hours ड्रामा। And if the spectator did not believe in the reality of actions, the tragedy would not have its proper effect. यानी ट्रेजिडी यानी ऐसी होनी चाहिए कि उसको देख के लोग जो हैं उस पर बिलीव कर लें, अगर बिलीव ही नहीं कर रहे तो वो ट्रेजिडी अपना अफेक्ट जो है नहीं रखती। बट इन द 20th सेंचुरी क्रिटिक रिजेक्ट द नोशन दैट Aristotle फार्मली एडवोकेटेड। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 20th सेंचुरी में, उन्होंने कहा कि रिजेक्ट द नोशन दैट Aristotle फार्मली एडवोकेटेड यूनिटी ऑफ टाइम्स इन द पॉलिटिक्स, नार ऑल ग्रीक ट्रेजेडी कन्फाइंड देयर एक्शन टू अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन। अब कहते हैं कि बहुत सारे जो ट्रेजेडी राइटर्स हैं उन्होंने भी उसको, ग्रीक राइटर ने भी उसको रिजेक्ट किया हुआ है, वो यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो नहीं करते। उसने कहा कि Agamemnon जो है एंड ह्यूमैनिटीज और Agamemnon, ये उसका जो वर्क है एस्किलेस का, आर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द प्लेस दैट कवर सेवरल डे। आप उस पर बहुत सारे दिन लगे। सेकेंडली न्यू क्लासिक विसिमिलिट्यूड्स इज डेमोन्स्ट्रेबली फॉल्स doctrines and it is inconsistent with Aristotle's explicit rejections of the theory that poetic imitation is a copy of the fact of nature. Our Bywater jo hai, Bywater ek critic hai. Bywater sums up the problems. He says that Aristotle was not laying any rule of unity of time. He simply made a suggestion by saying that the class as far as possible that a tragedy attempt as far as possible to remain within one revolution of sun. वो कहते हैं जी कहीं भी उसने कोई रूल जो है फिक्स नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने इसको वायलेट भी किया, उस वक्त भी इसके बगैर लिख रहे थे, इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जैसे Agamemnon है उसको भी फॉलो नहीं किया, और बाद में जो है Elizabethan राइटर उन्होंने तो इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया इन चीज़ों को, लेकिन उसके बाद भी बगैर भी बड़ी अच्छी ट्रेजिडी लिख दी। Aristotle does not even mention the unity of place. अब देखिए ये क्रिटिक्स जो आ रहे हैं वो वन बाय वन चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं,
कि ये चीजें जो हैं उन्होंने डिड्यूस की हैं, लेकिन अरिस्टोटल ने खुद पर्सनली कहीं नहीं कहा कि ऐसा करो। अरिस्टोटल डज नॉट इवन मेंशन यूनिटी ऑफ प्लेस वंस वाइल कंपेयरिंग एपिक एंड ट्रेजेडी। उसने ये उन दोनों को कंपेयर करके एक स्टेटमेंट दी है पॉलिटिक्स के अंदर। ही मेयरली से उसने सिर्फ इतना कहा दैट द एपिक मे नरेट सेवरल एक्शन टेकिंग प्लेस सिमल्टेनियसली एट सेवरल प्लेसेस बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन ट्रेजेडी बिकॉज इट डज नॉट नरेट बट रिप्रेजेंट थ्रू द एक्शन। दिस रिमार्क्स लेड रेनेसेंस एंड न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स टू द होइस्ट। होइस्ट का मतलब होता है पॉइंट उठाना, रेज करना, पिकअप करना, निकाल लेना कोई। रेनेसेंस एंड न्यू क्लासिकल क्रिटिक टू होइस्ट, उन्होंने ये पॉइंट निकाला, पिकअप किया द यूनिटी ऑफ प्लेस ऑन अरिस्टोटल एंड टू मेक इट इन टू द रिजिड रूल ऑफ द ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन। और उन्होंने क्या किया, रिजिड रूल बना दिया। देखिए एक डिस्कोर्स है ना, मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उससे कोई और मानी निकाल लेंगे। आइए, रिचर्ड ने एक पोएम अपने स्टूडेंट को दी और उन्होंने कहा कि इसको ना आप जरा इंटरप्रेट करें, अपने लफ्जों में लिखें पढ़ के। हर स्टूडेंट ने अपनी तरफ से जो उसकी इंटरप्रिटेशन उसके मन में आई, दिमाग में आई, और वो बिल्कुल अननोन पोएम थी, उसने कर दी। तो वहां से उसने उन लोगों ने न्यू क्रिटिसिज्म का एक कंसेप्ट दिया कि हर इंसान जो है, जो रीडर है, उसे चाहिए कि वो अपनी तरफ से खुद ही मानी निकाले किसी चीज की। किसी सिंगल मीनिंग कहीं भी नहीं है, हर कोई जो रीडर है वो अपनी अपनी समझ के मुताबिक एक टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन जो है वो देता है। तो इसके भी मानी जो है, अब उन्होंने जो जो जिस जिसने पढ़ा, जो उसकी समझ में आया, क्रिटिक ने वही लिख दिया। दिस रिमार्क्स लेट रेनेसेंस द न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स टू होइस द यूनिटी ऑफ द प्लेस ऑन द अरिस्टोटल। यानी उसने तो एपिक और ट्रेजेडी की डिस्कशन की, उसने इतना कहा कि चूंकि एपिक जो है वो लंबी होती है, सेवरल प्लेसेस पे शो करनी होती है, लंबी होती है, तो उसमें टेकिंग प्लेस सिमल्टेनियसली एंड सेवरल प्लेसेस बट इट इज नॉट, उसने कहा इतना लिखा, इट इज नॉट पॉसिबल इन ट्रेजेडी। अब आगे उन्होंने खुद उसके मन ही निकाल लिया कि चूंकि ट्रेजेडी जो है वो एक दिन में दिखानी होती है, उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम, ये सारी मेंटेन रखो। आगे, रेनेसेंस एंड न्यू क्रिटिक्स टू होइस्ट द यूनिटी ऑफ प्लेस इन ऑन अरिस्टोटल्स एंड मेक इट इनटू द रिजिड रूल ऑफ द ड्रामेटिक कंपोजिशन। इट वाज सेड दैट इन द ड्रामा देयर शुड बी नो चेंज ऑफ प्लेस एंड इवन द सीन्स चेंज, इट मस्ट नॉट बी टू ग्रेट अ डिस्टेंस, इट शुड बी कन्फाइंड टू द लिमिट्स ऑफ द सिंगल सिटी। No doubt the unity of place was generally observed in Greek tragedies. आगे देखें जी, several obvious reasons there were no drop scenes and no division into act and scenes, so naturally the action was continuous. नीचे जो bold किया हुआ ये देखें, Lessing suggests the limitation of time and place were necessary that the chorus might not seem to be kept too long away from their homes. Lessing एक क्रिटिक है, उसने कहा कि चूंकि कोरस जो है उसको आप कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, तो यूनिटी ऑफ प्लेस जो है उसको कायम रखो। आगे यहाँ पे बोल्ड किया हुआ, यहाँ पे देखें, शेक्सपियर्स प्ले ड्रम डेमोन्स्ट्रेट दैट द यूनिटी ऑफ द शेक्सपियर एटमॉस्फेयर इज नॉट वायलेटेड इवन व्हेन द सीन शिफ्ट फ्रॉम सिसिलिया टू बोहेमिया और फ्रॉम द वीनस ऑफ साइप्रस द ड्रामेटिक अल्यूजंस रिमेन्स intact. Further, the Shakespeare dramas was entirely free from the narrow of the cramping effect of the unity which married a number of the French plays. अब देखें, शेक्सपियर ने इन चीजों का उसको बॉदर नहीं किया और इन चीजों के बगैर, यूनिटीज के बगैर भी उसने बड़े अच्छे प्ले लिख दिए। To conclude, we can say that Aristotle rightly emphasized the unity of action which is the higher and controlling law of the drama. If the unity of action maintained, the other two unity will take care of themselves. Unities of times and place are only the secondary and purely derivative value. Later, Dr. Johnson gave the death blow to the unity. अब death blow का मतलब क्या है? Death blow का मतलब लिखें खत्म कर देना, यानी Dr. Johnson ने उसको फिर completely खत्म कर दिया unity का concept. Hope you got the point. रद्द कर दिया, रिफ्यूट कर दिया, किल्ड कर दिया, काफी मानी है इसके ईडियम है। अच्छा, आप अब इंशाल्लाह ताला ये आपका खत्म हो गया अरिस्टोटल, ठीक है। अब अरिस्टोटल के अंदर आपने थ्री राइटर्स जो है उनको अच्छी तरह पढ़ लिया है, सोक्रेटिस भी आपको आ गया, प्लेटो भी आ गया और अरिस्टोटल भी आ गया।
अरिस्टोटल और प्लेटो जो है ये दोनों इकट्ठे ही किस्म के पढ़े जाते हैं, और इसीलिए मैंने आपको ये थॉरो कंसेप्ट दे दिया है। इसके बाद मैं आपको फिलिप सिडनी स्टार्ट करवाऊंगा, उसकी असाइनमेंट मेरे पास सारी तैयार है। आप जो छुट्टियां आपको होंगी, 3 तो ईद की छुट्टियां हैं, आप इसमें आप बस यही सारा जो है ना सारी असाइनमेंट देख लें और फिर मैं आपसे टेस्ट ले लूँगा इसका। और अब जो मुझे आपने टेस्ट देना ना वो फिर कंप्लीट दीजिएगा, पहली पहले की तरह आधा पार्शल ना हो। हैव अ नाइस टाइम। क्यों नहीं, आप मेरी बात सुन, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, क्वेश्चन आया हुआ है, देखा कहीं आपने क्वेश्चन आया कहीं? जैसे वो पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा हमने वैसे ही जवाब देना है, ये अपने माइंड में रखें। कि अगर वो हमसे कहता है कि मॉडर्न, क्या उसकी जो पूरी उसने जो डेफिनेशन दी है थ्री यूनिटी, क्या वो मॉडर्न टाइम पे पूरी उतरती, आप बताएंगे नो, क्योंकि जॉनसन ने उसको रिफ्यूट कर दिया, शेक्सपियर ने उसको रिफ्यूट कर दिया, इवन कि उसके दौर में ही एग्मेमनॉन जो है वो उसमें डिफरेंट तो काफ़ी दिनों पर कंसिस्टेंट है, तो इस तरह तो उस दिन यानी वो ग्रीक टाइम पे भी फॉलो नहीं किया जा रहा था अच्छी तरह। इस तरह यानी ये इसके अंदर सारी असाइनमेंट के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं, सो यू हैव टू जस्ट रीड दिस असाइनमेंट, एवरीथिंग विल बी सॉल्व, डोंट वरी, हैव अ नाइस टाइम।